नमस्कार, मैं हूँ एस के मालवी और आप देख रहे हैं S24। S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पहले सबसे पहले तो हनुमान जी महाराज की जय। आज क्रीड़ा भारती का हनुमान दिवस के दिन जन्म उत्सव के अवसर पर हम लोग स्थापना दिवस मनाते हैं। आज ही के दिन हमारा क्रीड़ा भारती का स्थापना हम लोगों ने की थी। क्रीड़ा भारती का स्थापना 1992 में प्रारंभ हुई थी और अब ये एक हर जिले, हर विकास, हर प्रदेश में इसका वट वृक्ष के रूप में इसको स्थापन हो गया है। क्रीड़ा भारती का जो उद्देश्य है हम लोग का, कि जन जन तक, घर घर तक, बच्चों को तक अपने खेलों को पहुंचाना है। क्रीड़ा भारती हमने पांच कार्यक्रम हम लोग करते हैं। इसमें से सर्वप्रथम हमारा जो क्रीड़ा भारती का स्थापना दिवस है हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में करते हैं। इसमें खेलों का आयोजन, जो हमारे पारंपरिक खेल हैं, देसी खेल है, जो हमारे मलखम है, कबड्डी है, जो स्ट्रॉन्ग मैन, जो बच्चों के ताकत की जो कि खिलाड़ी पूरे विश्व में, बजरंग बली जैसा हमारा कोई खिलाड़ी नहीं है, उनसे ताकतवर, उनसे बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है। इसलिए हम लोग हनुमान जयंती पर स्थापना दिवस मनाते हैं। कुछ कार्यक्रम क्रीड़ा भारती खिलाड़ियों के सम्मान की दृष्टि से तो करता ही है, हर लोग हर प्रदेश में करते हैं। क्रीड़ा भारती एक जीजा माई सम्मान भी हम लोग करते हैं। जीजा माई का अर्थ है कि शिवाजी की जो तैयार किया था उनकी माता जीजा माई ने किया था, तो हम लोग खिलाड़ियों का सम्मान उनके साथ साथ उनके माता पिताओं का सम्मान क्रीड़ा भारती करती है, उनके पूरा परिवार का सम्मान करती है। खेल दिवस पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जो हमारे ध्यानचंद जी के अवसर पर किया जाता, तो वही कार्यक्रम हम लोग भी करते हैं। एक पूरे विश्व के अंदर हनुमान जयंती मनाई जाती है और आज के दिन क्रीड़ा भारती का स्थापना दिवस है। हम लोग हर क्रीड़ा मतलब बच्चों को प्रेरित करते हैं खेलने के लिए, जिससे कि बच्चे खेलें और आगे बढ़ें। और बच्चे लोग जब खेलने में उतर जाते हैं तो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, क्या खाना क्या पीना है। इस प्रकार का हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस प्रयत्न में है कि बच्चे खूब खेलें, आगे बढ़ें और भारत का नाम रोशन करें। बच्चे आगे बढ़ेंगे तो बच्चों का मनोबल बढ़ेगा और बच्चों खेल का बहुत मैदान है, बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे खेल हैं जो भारत के खेल हैं, जो कि भारतीयों की शुरू से खेलते आ रहे हैं, उस खेलों को प्रोत्साहित करना और बच्चों को आगे बढ़ाना। इसलिए पूरा क्रीड़ा भारती उस पर पूरा ध्यान देती है और उनकी माताओं को भी सम्मानित करते हैं कि माँ भी बच्चों के बारे में ध्यान दे, क्या खाना है, क्या भोजन कराना है, कब ध्यान देना। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं तो जो बच्चे खेलते हैं कभी भी गंदे काम, सिगरेट है, तम्बाकू है, दारू, इनसे बहुत दूर रहते हैं। वो खा भोजन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और तेल वगैरह नहीं खाना है। उनका अनुशासन होता है कि हमको क्या फल खाना है, कौन सा दूध पीना है, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, और इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और खेल का भी यही उद्देश्य है कि ज़्यादा मेडिकल में ज़्यादा बच्चे जा नहीं पाए, अपने मेडिकल अस्पतालों में ज़्यादा जा नहीं पाए, अपने घरों पर ही ध्यान दें और पढ़ाई पे ध्यान दें, ये हमारा उद्देश्य है। आज की प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने भाग लिया है? आज करीब 50-60 बच्चे आए हैं, मतलब अच्छे लोग ले हैं, ये भोपाल के ही हैं सब लोग, और हर ज़िले में, हर तहसील में, हर जगह ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी इससे पहले दो कार्यक्रम हुए हैं, एक तो रस्सी कसाई का खेल हुआ और उसके अंदर दो टीम उतरी थी, उसके बाद ये वाला ये स्ट्रॉन्ग मैन का ये अपना रेता लेके दौड़ना, फिर उसको पाए अपने ये तार को उनको दौड़ा के उसको करना, उसमें इनाम मिलते हैं। आइए, और ये द्रौपदी हायर सेकेंडरी स्कूल में बरखड़ी कला बदवादा रोड पे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल एक
और खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।